पूरा फैमिली को फायदा होगा पर तुमको नुकसान होगा निम्की। काहे? तुमको यहाँ फैमिली मानता कौन है? स्वीटी दीदी, आज नहीं तो कल मान ही लेंगे ना। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, पहले आप भी हमसे दूर रहती थी, लेकिन अब आप हमको कितना प्यार करती हैं। अब क्या करें भाई, हम हैं ही इतने स्पेशल। ऊपर से हम ब्यूटीफुल भी हैं, ऊपर से हमारा नेचर भी अच्छा है, और ऊपर से तुम्हारा दिल बहुत साफ है। गजब पकड़े हैं आप। वैसे बताइए आप पेंटिंग कॉम्पिटिशन में आ रही है ना, लेकिन आप मत कीजिएगा। चलिए अच्छा है, हाँ बोल। अरे हम हाँ कब कहे? जब कोई दिल से बोलता है ना, तो उसका आवाज कानों से नहीं दिल से सुनाई देता है। आप दिल से बोली तो हम दिल से सुन लिए। कहाँ से लाती हो ये सब डायलॉग? अरे स्वीटी दीदी, फिल्म सब देखना बहुत जरूरी है नॉलेज के लिए। अरे गजब, ये गरड़ का साड़ी तो डुमरी वाली चाची के पास भी है। बाऊजी। बेटा वो हम कुछ कहने का जरूरत नहीं है बाऊजी, आप ही चाहते हैं ना कि हम कल मुकाबला में हिस्सा लें। बेटा तुमको पता है ये तुम कब बनाई थी? जब हम तुमको तुम्हारे स्कूल के खेल कूद में हिस्सा लेने से मना कर दिए थे, तब तुम हमसे रूठ गई थी, 2 दिन तक बात ही नहीं की थी, कमरा बंद कर लिया था। जब हम देखे तो हमको लगा, अरे हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारा स्वीटी भी ऐसा कुछ कर सकती। हम तो सबको दिखाते चलते थे, वहां बरामदा में टांग दिए कि पूरा गांव वाला देखे। डीएम साहब तुमको 10 रुपया का इनाम दिए थे, याद है ना? बेटा कल भी ऐसा ही मौका है, और हम चाहते हैं ना कि तुम हमारे साथ रहो, हमको अच्छा लगेगा। ठीक है बाबूजी। वाह, हम दामाद जी को बताते हैं, पकड़ो। ये हुआ ना बात है। अरे दामाद बाबूजी, भाऊजी बस एक बात बता दीजिए, हमरे भाऊजी चाहते हैं कि हम ये मुकाबला में हिस्सा लें या नेता तेतर सिंह जो विधायक बनना चाहते हैं? ऐसा कहाँ हो गया है बेटा? नहीं, तुम एकदम हमको अपना दुश्मन समझने लगी हो, ऐसा कहाँ करती है जो तुम हमसे इतना नफरत करने लगी? बोलो। कुछ नहीं बाऊजी, आप कुछ नहीं किए हैं, और बस यही बात का दुख है हमको। का ए नाहर बाबू,
आप भी ना झुट्टो के टेंशन में रहते हैं आप। अरे तेतर सिंह के चित्रकला प्रतियोगिता के सफल होने का कोई प्रश्न उठता है का? अरे आप जानते नहीं है वो तेतर सिंह को। तेतर सिंह पगला गया है। अरे वो कोई चित्रकला का आइडिया दिया के बाबूजी। हां बाबू सुने, अरे हमारा बेटा चिराग भी यह बात कह रहा है। ये आइडिया जरूर निमकिया का हो। निमकिया कुछ हो, सोचे समझ के आइडिया दी होगी उसको। अरे झूठों के परेशान हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि कार्यक्रम में क्या आएगा? जब ओहे दिन आप इतना बड़का कार्यक्रम बना के बैठे हुए हैं, रवि भूषण जी आ रहे हैं आपके कार्यक्रम में। आ रहे हैं ना रवि भूषण जी आपके कार्यक्रम में? एकदम आ रहे हैं, और उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंडो आ रही है। क्या नाम है उनका? अरे वही जो उसके नायिका सिनेमा में थी, वो आइटम सॉन्ग वाली। अरे फिर तो समझिए कि आपका फंक्शन एकदम हिट है ना। अरे हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ए कुंदन बाबू कुछ कीजिए, ये तेतर सिंह का फंक्शन होने नहीं देना। माने तो क्या कर सकते हैं महाराज, कल है ना कार्यक्रम है उसका जी। हैं? अरे आप काहे टेंशन ले रहे हैं नहर चाचा, लिख के ले लीजिए, वहाँ 10 लोगों से ज्यादा नहीं आने वाला। अरे पूरे गांव में सिर्फ आप ही के फंक्शन का चर्चा हो रहा है। ए चिराग बाबू बेसी उड़िए मत, जो दरिया का लहर होता है ना ऊपर ऊपर नहीं भीतरे भीतर करवट बदलता है। सोचिए अगर तेतर सिंह का फंक्शन कामयाब हो गया तो हमारा तो प्रोग्राम का सब गुड़गोबर हो जाएगा। लेकिन नाहर बाबू हम कर भी का सकते हैं। अरे कल के मुकाबले में कुछ हो जाए, मतलब जहाँ फंक्शन हो रहा है वहाँ गोली चल जाए। जो स्कूल में फंक्शन हो रहा है उसका छत गिर जाए, बम फट जाए, मतलब समझ रहे हैं ना आप? जो कांड आप बता रहे हैं अगर एकरा में दो चार को मर गया तब तो क्या हुआ? फंसेगा तो तेतर सिंह ही ना। शाबाश, देखिए कुंदन बाबू बहुत होशियार है ये आपका बेटा। अरे नाहर चाचा आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कल के मुकाबले में कुछ ऐसा होगा ना कि तेतर सिंह सिर्फ बदनाम ही नहीं बल्कि जेलो जाएगा। अरे जियो मेरे सिर, ये हुआ ना बात। ए कुंदन बाबू रखते हैं आप, और कल उन्हें खुशखबरी दीजिएगा। एक बात बताओ, तुम ऐसा कल का करने वाले हो? देखेगा ना बाबूजी, कुछ नहीं तो 2-3 का जान चाहिए करेगा। का मलिका है? का सुन रहे हैं हम? आप स्वीटी को लेकर जा रहे हैं वहां पर? हाँ माँ, दीदी भी लिए हिस्सा मुकाबले में। दिमागवा खराब उराब हो गया है का सब आदमी का? अम्मा का हो गया, इतना अच्छा चित्र तो बनाती हैं दीदी, का गलत हो जाएगा? का चाहते तुम्हारी बहन जाके घाट टोला वाले लोगों के बीच में बैठ के चित्र बनाए है ना? का है अम्मा, वो लोग इंसान नहीं है का? ऐसा है बेटा, तुम तो बोलबे मत करो, काहे से तुम नहीं तुम्हारे मुंह से वो घाट टोला वाली बोल रही है। एक मिनट सासू जी, अब कहाँ है फालतू में दिमाग का कसरत कर रही है, थक जाएगा। भाई स्वीटी जी जाएंगी तो ससुर जी का ही नाम बढ़ेगा ना। दामाद जी आप ना हमारी बेटी को अपना राजनीति से दूर रखिए। का आपकी बेटी? अरे मत भूलिए हमारी पत्नी भी है स्वीटी जी। अच्छा लगा सुन के ऋतुराज जी, इतने वर्षों बाद आप हमको इनकी बेटी नहीं अपनी पत्नी तो समझे। अरे भाई का मतलब है ये सब बात के? नहीं अनारो जी, स्वीटी को जाने दीजिए घाट टोला, मैं कोनो गलत नहीं है।
मुखिया निमकी जी कहाँ रह गए भाई, जाइए उनको बुला के लाइए। अरे एक घंटा से बैठ के मेकअप कर रही थी हीरोइन, और हम बोले तो बोली बहुत सारा फोटो खींचेगा, तो तैयार तो होना ना पड़ेगा। दीदी जाके देखना कमरे में क्या कर रही है, निकलना भी है। मी रेडी, कैसे लग रहे हम? अरे तुम तो बहुत बढ़िया लग रही हो। चलो 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 चलिए, स्वीटी नहीं जाएगी। अरे कहाँ हो गया माँ? अरे दीदी का अलग से बैठने का इंतजाम करेंगे ना, तुमको क्या लगता है हम खुद ही जाके बिठा देंगे क्या गांठतोला वालों के बीच में? उनको कुछ भी कीजिए देवर जी, वो गंदा सा पंचायत का स्कूल में हवेली का बेटी और बहू लोग जाएंगे तो अच्छा लगेगा का? का चाहती हो तुम, यहाँ करवा दे मुकाबला हवेली में? कंपटीशन हिया हो या हुआ, जीतेगी तो हमारी बहन बहू है। तुम्हारी बहन का ना औकात नहीं है हमारी स्वीटी के सामने। ऐसे तुमको नहीं पता कि हमारी स्वीटी कितना अच्छा चित्र बनाती है। मदरिल्ला हमारी बहन महुआ भी ना बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। अरे उनका पेंटिंग तो बिहार के बाहर एक्सपोर्ट होता है, और टू और महुआ का पेंटिंग तो सलमान खान के ड्राइंग रूम में भी लटका हुआ है। ड्राइंग रूम बूझते ही ना क्या होता है, घर के अंदर क्लोज वाला आंगन को ड्राइंग रूम बोलते हैं। अरे अब स्वीटी दीदी को कहाँ देख रही है? कुछ भी हो जाए जीतेगी तो हमारी बहन महुआ ही। कितना अकड़ है स्वीटी, जा जाके वहां पर चित्र भी बना, अब बताओ इसको इसका औकात। रहने दीजिए स्वीटी दीदी, वहां जाके क्या कीजिएगा आप? तुम कौन होती हो उसको रोकने वाली? बाबू लेके जा अपनी बहन को, और स्वीटी तुम जाओ वहां चित्र बनाओ, और हवेली का इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। चलिए ठीक है चलते हैं फिर, आज देख ही लेते हैं। सुनिए हमारी स्वीटी वहाँ टेबल और कुर्सी पर बैठेगी, घाट टोला वालों के साथ जमीन पर नहीं। हाँ हाँ आइए चलिए चलिए, अरे चलिए भाई। हमारी स्वीटी से जीतेगी इसकी बहन, आज तुम्हारी इज्जत का धज्जी उड़ाएंगे हम। अरे मत हद, ये बात जीतने और हारने का नहीं था, ये तुम स्वीटी को अपने साथ ले जाने के लिए तुमको चढ़ा दी थी। और अब चढ़ भी गई। मकान जी आपका बेटी भी आई है। जी हाँ बबू, बबू जाइए बैठिए, जगह भर रहा है सब। बाबू जी भीड़ तो काफी इकट्ठा हो गया है, बाहर भी देखिए काफी लोग है, पूरा गांव वाला लोग आ गया लगता है। ये देखिए ई पगलेट का कर रही है, देखिए आप सब फोटो खड़े होके खींचोगे कि बैठे भी खींचोगे कुछ? अरे खींचेंगे ना। गजब है आइटम भैया। अरे सब छोड़िए ना महाराज, प्रोग्राम शुरू करवाइए ना। अरे पर सब लोग को आने तो दीजिए बाबूजी। हाँ नमस्ते नमस्ते। आप तेतर सिंह जी की बेटी है ना? हाँ हम तुमको कहीं देखे। हाँ मनमोहन अंकल की बेटी की शादी में मिले थे ना, तो आप हमें वहीं देखी होंगी। वैसे हमारा नाम ऋचा है, सूरज भान सिंह की बेटी हैं हम। अच्छा अब आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं तो
हम में से कोई जीतेगा का? अरे काहे, जो अच्छा चित्र बनाएगा वो जीतेगा, और अगर तुमको शक है ना तो हम हट जाते हैं प्रतियोगिता से। एक्सक्यूज मी, आप कॉम्पिटिशन से काहे हटेंगी? और तुम का, तुमको हम लोग पे इतना ही शक है तो यहाँ काहे आए हो? नहीं हम तो बस ऐसे ही। कहाँ बस ऐसे, फालतू का बात मत करो, बहुत ईमानदार जज लोग लेके आए हैं हम। अरे इलाके का सब फुटबॉल मैच का रेफरी बनते हैं ये लोग, वो देखिए वो जज बन कर आए हैं यहाँ पे। निम्की, ये फुटबॉल का रेफरी हमारा चित्र का फैसला करेगा? ये दीदी ये लोग यहाँ पढ़ाते भी हैं भाई, वो भी साइंस। हे पापा आ गए। बाप रे, यहाँ कतना भीड़ है। ए निम्की, हम जीत पाएंगे? नहीं चाची, तुम कैसे सोच ली कि तुम जीतोगी? और हाँ आप लोग, ये कोई टाइम है आने का? कहाँ थे आप लोग? और महुआ तुम, तुमको क्या लगता है मुखिया की बहन हो, कितना देर भी आओगी चलेगा? और तुमको ये कंपटीशन में हिस्सा लेने देंगे हम? बिल्कुल नहीं। का बताई दीदी, रास्ते में गाड़ी ना खराब हो गया था? एक काम कीजिए ना, थोड़ा और पैसा डाल के ना थोड़ा अच्छा वाला साइकिल खरीद लीजिए आप। अरे अरे हमारा गाड़ी का हालत इतना भी गुजरा नहीं है भाई। दीदी तुम भूल गई का, वही गाड़ी में ना बैठ के सिनेमा देखने जाती थी। हवेली वाली ना हो गई है। एक मिनट बेटा, अरे रुकिए ना महाराजा। ए बेटा, ए मौगा, तुम जल्दी से जाकर ना अच्छा से जगह देख कर पंखा के नीचे में जाकर बैठ जाओ बेटा। ये देखो, ये हम तुम्हारे लिए ना अच्छा वाला ब्लॉक से लेकर आए हैं, इससे ना बढ़िया वाला चित्र बनाना एकदम। ने पगला गए हो का? ये चित्र कॉम्पिटिशन है, कोनो स्कूल का ड्रॉइंग थोड़ी है। हाँ तो और क्या चाहिए तुमको? फिकर मत करो, हम सब लेके आए हैं अपने साथ। हाँ ठीक है, मगर ये भी रख लो, काम में आएगा। ये हमको दो, हम इसे बनाएंगे। हाँ महुआ चलो, पंखा के नीचे जगह खाली है, हुए बैठ जाते चल। अरे 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 भाई अच्छे से हैं, बैठो बैठो यहाँ बैठो। बेटा महुआ जीत जाएगी ना? ये प्रॉब्लम है आप गरीब लोग का, पहले से ही कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं आप लोग। हमारी महुआ जीतेगी, कुछ भी हो जाए जीतेगी। अरे मैं तो बाबू आ गया। अरे प्रभु कहाँ रह गए थे, कितना देर कर दिया। ससुर जी तो आपके बिना स्टार्ट नहीं कर रहे थे। अरे क्या बताएं, आज सुबह सुबह वाइफ से झगड़ा तो हो गया। वाइफ लोग होते ही ऐसे हैं, गलत कहे तो कहे। आप कभी गलत कह सकते हैं? कहा हो चिराग बाबू, कब आए दिल्ली से? यही महीना में आए। अच्छा किया जो आ गए, अब हमारा चुनाव प्रचार में लग जाइए, बाबू के साथ लग जाइए, ठीक है ना? आ कुंदन बाबू, आपको कोनो आपत्ति नहीं है ना? का प्रभु, अरे आप ही का लड़का है, लेके जाइए। काम है तो बाबू, इंतजाम तो ठीक हुआ है ना? देखिए बाबूजी का पोस्टर हर जगह लगा है। हाँ इंतजाम तो बढ़िया है, वैसे ही मधुमती पंटिंग का आइडिया हमको एकदम में अच्छा नहीं लगा। मगर लास्ट में प्रियंका चोपड़ा का ड्रेस का जो तड़का लगा है ना, वो गजब का था। और नहीं तो क्या, देखिए बाहर देखिए कितना लोग खड़ा है। हाँ मगर तितर बाबू, प्रियंका चोपड़ा के कपड़ा आपको कहाँ मिल गया? महाराज हैं आप राजनीति करते हैं, सब फालतू सवाल पूछते, गलत गलत बात। सब रेडी है? चलो फिर शुरुआत करो। चलो चलो जाओ। आइए आइए, अच्छे से बनाना, जीतोगी तो सिनेमा दिखाने ले चलेंगे तुमको। ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे तुमको। गजब, का नाम है तुम्हारा? काहे
अरे हाथ में नाम गुदवाएंगे तुम्हारा। और काहे ये सब करने आए हो यहाँ?